मेक इन इंडिया का डायनोरा का 50 इंच का टीवी जो कि 60 वोट के साउंड बार के साथ आता है वेब ओएस के साथ आता है थिमक्यू वेब ओएस ए प्लस ग्रेड का जीरो डॉट आई पैनल है मैजिक रिमोट के साथ आता है इस टीवी की करेंगे इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू दोस्तों ये माउस वाला जो रिमोट है ना इनका दिस इज ऑसम वेबोस के साथ सपोर्ट इसका बहुत सही है अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी एमसीम e का सपोर्ट भी आपको इसमें मिलता है आईपीएस का पैनल मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया ऑडियो क्वालिटी तो बहुत मस्त है डॉलबी का सपोर्ट है एलेक्सा का सपोर्ट है एलेक्सा से आप इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हो भैया फीचर्स की लाइन लग जाएगी यहाँ पर एक एरो आता है उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन जा, जाकर आप इसको टीवी को खरीद सकते हैं अलग अलग जहां पर भी अवेलेबल है सबका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में एक ही लिंक से आप सब जगह पहुंच जाओ दोस्तों इतनी लंबी वीडियो बनाना ना बड़ी मेहनत बहुत मेहनत लगती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब आपसे मांगना जरूरी है आप सब लोग मांगते हैं हम भी मांग रहे हैं सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि भैया सब्सक्राइब करोगे ना तभी तो हम ऐसी और टीवीओ की अनबॉक्सिंग करेंगे दोस्तों फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको मस्त बढ़िया सी फुटेज दिखाते हैं विद म्यूजिक Thank you. पोर्ट्स की बात करें तो आपको साइड में मिल जाते हैं दो यूएस बी और तीन एस डी माई आई हैव टू से इट के दो यूएस बी जो साइड वाले हैं बहुत ही ज्यादा हैंडी है क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पर हैं तो अगर आपको कुछ यूएस बी वगैरह लगाना होता है तो ईजिली लग जाता है वैसे टॉप की बात करें तो आपको कुछ और पोर्ट्स मिल जाते हैं जैसे कि एंटीना इन एसपी डी आई एफ आउट आर सी ए और एक लैन पोर्ट जो कि आपके काफी काम आएगा अगर आप वायर्ड इंटरनेट चलाना चाहते हैं दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है एक रिमोट मैजिक रिमोट जो कि बहुत ही ज्यादा बटन्स के साथ अपना आता है सबसे पहले इसमें नंबर बटन्स मिलते हैं जिससे आप एजे यूनिवर्सल रिमोट सेट ऑफ बॉक्स के चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम प्लस माइनस और चैनल प्लस माइनस माइक का बटन और फिर एक व्हील मिलता है जिससे कि आप पॉइंटर अपनी स्क्रीन पर ला सकते हैं नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की हॉट की मिलती है एक गाइड की बटन और मिलती है जिससे आप सेट ऑप बॉक्स को और अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे नीचे लिखा हुआ है डायनोर रिमोट की हैंड फील बहुत ही ज्यादा बढ़िया है एंगुलर सा रिमोट है मजा आ गया रिमोट को देख के साथ में मिलता है आपको एक वॉल माउंट जिससे आप टी को वॉल माउंट करेंगे वो फ्री मिलता है आपको बॉक्स के अंदर

पुख्ता वाली है कि एक बार आपने खरीद लिया तो आपका काम खत्म है चार साल तक एक्सटेंड करेगी तो वन प्लस फोर इज वल टू फाइव अगर आपको पांच साल तक इस चीज़ में या फिर किसी और भी डिवाइस में बहुत सारे डिवाइस की वारंटी ये देते हैं एयर कंडीशनर वॉशिंग मशीन सब डिवाइसेस में किसी में भी कोई दिक्कत आती है यू विल गेट अ फ्री पिकअप एंड क्या कहते हैं ड्रॉप और फोन वगैरह होता है तो लेके चले जाते हैं टीवी होती है तो घर पे आके ठीक करके जाते हैं जेन पार्ट्स यूज होते हैं जनरल सर्विस यूज होती है ऑफिशियल सर्विस सेंटर से जैसे कि आपको पता है इसके 300 से भी ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं इंडिया में तो सर्विस में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है यू विल गेट अ फ्री रिप्लेसमेंट अगर ये टीवी ठीक नहीं हो पाता है तो वैसा कि सोचना ही क्यों है फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि इसका यूजर इंटरफेस कैसा रहा है इसमें पोर्ट्स कितने मिलते हैं इसका इनिशियल सेटअप कैसा है सब चीज़ ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब चीज़ आपको अभी मालूम पड़ने वाला है Let's directly jump into it. Okay, let's boot it up. दोस्तों चूंकि यह एक वेब ओ एस बाई थि क्यू वाला टीवी है तो इसको मैं आपको एक बार सेटअप करके जरूर दिखाऊंगा बिकॉज एंड्रॉइड टीवी इसको उसको तो मैं बहुत सेटअप करके दिखा चुका हूं क्योंकि वेब ओ एस की टीवी मैंने अब तक बहुत कम सेटअप करके आपको दिखाई है सबसे पहले वो बोल रहा है प्रेस द ओके बटन व्हील ऑन योर रिमोट ओके कर दिया भैया अब वो बोल रहे हैं मोबाइल डिवाइस से आप इसे सेटअप करना चाहेंगे या फिर आप दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऐप के थ्रू थिं क्यू का जो ऐप है उसके थ्रू आई थिंक आई गो विद द मोबाइल डिवाइस बिकॉज मेरे पास थिन का ऐप भी है सब कुछ लॉगिन वॉगिन भी पड़ा हुआ है तो ईजिली काम हो जाएगा ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको ऐप डाउनलोड करना है थिंक्यू का और उसमें इस क्यू कोड को स्कैन करना है यहाँ मेरे फ़ोन में आ गया है तुरंत ऊपर लिखा आ रहा है विथ एस ट्वेंटी रिक्वेस्ट कनेक्ट टू दिस टी उसमें भी ऑप्शन आ रहा है सिंपल और कनेक्टिंग बोल रहा है पासवर्ड वासवर्ड सब मेरे जो वाईफाई का पासवर्ड है वो मैं अपने फ़ोन से ही डाल पाऊंगा ताकि टी वी कनेक्ट हो जाए फाइव की कार्ड्स के वाई भाई भाई को ये सपोर्ट करती है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये भी फटाफट से इसमें वाईफाई कनेक्ट करते हैं और इसमें अपनी जो ईमेल आईडी है जो हमारी थिन की ईमेल आईडी है उसी से आपको सिंपली लॉगिन करना है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन यहाँ पर बोल रहा है कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन और मोबाइल डिवाइस सिंपल फ़ोन से ही हो जाएगा सारा कुछ इसमें ऑप्शन आ रहा है मेरे फ़ोन में कि स्टोर मोड में डालना चाहते हैं पे से तोड़ डाल सकते हैं मेरे को स्टोर मोड में नहीं डालनी है तो लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करी मैंने और इसको नेक्स्ट कर दिया ओके okay, जब आप टीवी को सेटअप करते हैं तो आपके फोन में बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं कि आप इसे सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर सिर्फ टीवी ओनली तो यहाँ पर मैंने सिर्फ टीवी ओनली वाला सेटअप किया है क्योंकि मैं सेट टॉप बॉक्स इसमें कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ ऑल आप इसमें कर सकते हो इसमें सारे एच डी या ये सारे पोर्ट्स आपको पीछे मिल जाते हैं और आप ऑब्वियसली इस टी को अपने ऐप से भी सेट मतलब सेटअप तो कर ही पाओगे यूज़ भी कर पाओगे एज अ रिमोट आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो मेरे को कुछ ऐप्स इंस्टॉल करें तो इसमें एक माउस वाला फीचर है जो मैं रिमोट है इसमें बेसिकली एक माउस है वॉट्स प्राइम वीडियो यूट्यूब को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐप इंस्टॉलेशन पर आगे बढ़ते हैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जब आप माउस चलाते हैं तो वो तो चला ही सकते हो जैसे अगर नहीं दिख रहा है तो यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल द व्हील ऑफ़ योर रिमोट अ लिटिल बिट एंड वो माउस प्रकट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर एवरीथिंग विल भी फाइन और उसको क्लोज कर देते हैं कुछ ऐप इंस्टॉल हो रहे हैं थोड़ी देर में हो जाएंगे और दूसरी चीज़ अगर आपको माउस यस नहीं करना है स्क्रॉल यू वॉन्ट टू स्क्रॉल फ्रॉम द डी पैड तो आप एरो एरोज़ को जैसे दबाएंगे तो वो भी आपकी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी एक बार होम का बटन दबाते हैं एंड दिस इज द एस जो सिंपल एंड सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत फास्ट रहता है ऑब्वियसली ऊपर uh, लिखा हुआ है डायनोरा स्विच टू हैप्पीनेस पावर्ड वाइज वेब ओ एस टी लिखा हुआ है रिसेंट इनपुट आप इसी में देख पाओगे लाइव टीवी जैसे अगर आपने कोई सेट टॉप बॉक्स भी कनेक्ट किया हुआ है तो वो भी यहीं पे आ जाएगा और उसमें आप चैनल नंबर जैसे कोई लगाना चाहते हो तो इसी रिमोट से आप चैनल्स को लगा पाओगे बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे वेबो एस की ओके okay, आगे बढ़ते हैं इसमें सारे ऐप्स दिख रहे हैं नेटफ्लिक्स हॉट स्टार जीओ सिनेमा जी फाइव एपर टी वी डले आए हैं और मतलब ऑप्शन मुझे दिया गया था प्राइम वीडियो हॉट स्टार और यूट्यूब का बाकी वो टो जब टी

और इसमें आप एच वगैरह भी स्विच कर पाएंगे इसी से बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगी थोड़ा सा और सभी ऐप्स में लॉगिन कर लेते हैं नेटफ्लिक्स हॉट चार जियो सिनेमा बाकी सब में और एक बार लॉगिन करने के बाद इसको थोड़ा सा और एनालाइज़ करने के बाद वेब ओएस को इसके क्या क्या फ़ीचर्स इस पर्टिकुलर टी में मिलते हैं क्योंकि डायनोरा का खुद का वेब ओएस है जो थिक्यू है उसने प्रोवाइड करवाया है वेब ओ लेकिन इन्होंने थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करके दिया है तो उसमें क्या क्या और प्रोज हैं क्या क्या और इन्होंने बेहतर किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज़ कर लेता हूँ उसके बाद पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट करेंगे और यूजर इंटरफेस के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ें आपको बताएंगे तो यहाँ पर मैंने अपनी पूरी टीवी को सेटअप कर लिया है आपको ओएस के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं सबसे एक्सट्रीम राइट टॉप कॉर्नर पर आपको अकाउंट्स की इनफॉमेसन मिलती है कि कौन से अकाउंट से आपने लॉग इन कर रखा है अथवा प्रोफाइल की इफॉर्मेशन मिलती है उसके बाद एक सर्च का ऑप्शन मिलता है जिससे आप सर्च कर सकते हो वैसे वेबर्स का, का काफ़ी ऐप्स के साथ टाई है तो अगर आप कुछ सर्च करोगे कर तो ऐप के अंदर भी यहीं से सर्च कर पाओगे मान लीजिए मुझे कोई नेटफ्लिक्स मूवी देखनी है और मैं उससे सर्च करता हूँ तो वो नेटफ्लिक्स के अंदर की मूवी को बाहर ही दिखा देगा कि दिस मूवी इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स अगर प्ले करेंगे तो डायरेक्ट नेटफ्लिक्स में प्ले हो जाएगी उसके नीचे आ, आपके जो इनपुट्स हैं जो टीवी गाइड हैं वो सब आ जाता है यूजर गाइड होम डैशबोर्ड होम डैशबोर्ड में जो भी अदर अदर थिंक्यू के अपलाइंस है जैसे कि मेरी ए वो सब आप इसे कंट्रोल कर सकते हो उसके नीचे आओगे तो आपको नेटफ्लिक्स जो सारे ऐप्स हैं वो सब नेटफ्लिक्स हॉट चार जी सिनेमा जी फाइव एप्पल टी प्राइम वीडियो यूट्यूब वो डी टी वी ये सारे मिल जाएंगे कुछ और एप्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हो वेब ब्राउजर भी का ऑप्शन मिल जाएगा मीडिया प्लेयर है एडिट ऐप इधर से मतलब एडिट ऐप बेसिकली आप नेटफ्लिक्स को पहले नहीं बाद में रखना चाहते तो वो इसमें कर पाओगे इसमें सेटिंग भी आपको यहीं मिल जाएंगी नीचे फिर से आपको होम डैशबोर्ड मिलता है और डायरेक्ट ही मिल जाता है यहाँ से अगर आप इनपुट लगाना चाहते हो जैसे कि एस एम वन एस टू वगैरह अभी फिलहाल मुझे मान लीजिए यूएसबी एस बी लगाना तो मैं यू, लगा यहीं से यूएसबी लगा सकता हूँ मेरी स्टूडियो की एसी यहीं से ऑन हो रही है ऑफ़ हो रही है सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे नीचे फेसबुक वेब ब्राउजर वाले कुछ बुक मार्क्स टाइप है कि आप गूगल पर तुरंत गूगल खुल जाएगा आपको गूगल डॉट कॉम टाइप पर नहीं पड़ेगी इट्स वेरी सिंपल सेटिंग का बटन दबाते हो तो कुल मिला के सेटिंग खुल जाती है अब मेरी ई मेल आई डी दिखा रहे जिससे लोगों है साउंड मोड है पिक्चर uh, मोड है पिक्चर मोड में आप देखोगे तो कौन कौन से मोड अवेलेबल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये ऑटो पिक्चर वाला कुछ है इसको देखते हैं uh, सबसे पहले तो इसमें ए पी एस वाला मोड है उसके बाद सिनेमा मोड है क्रिकेट गेम ऑप्टिवाइजर विविड स्टैंडर्ड तो फिलहाल इसको स्टैंडर्ड पर रखते हैं साउंड uh, मोड भी स्टैंडर्ड पर है साउंड ऑप्टिकल आप उसमें सेट कर सकते हो ऑप्टिकल आउट डिवाइस या फिर टी स्पीकर जो भी है गेम ऑप्टिवाइजर आपको मिल जाता है गेमिंग के लिए अगर आप लो इनपुट लैग चाहते हैं तो इसके अलावा नेटवर्क आपको वायर्ड और वायरलेस वाला ऑप्शन है ऑल सेटिंग अगर आप खोलेंगे तो इसमें और मतलब डीप में खुल जाएंगी सेटिंग अगर आप किसी चीज़ की ब्राइटनेस एडजस्ट करना चाहते हो uh, मान लीजिए पिक्चर की ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सौ तरह की चीज़ें हैं जिसके एडवांस सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ से सौ तरह की चीज़ें और चेंज कर सकते हो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा इनको ना छेड़ें अनटिल ऑनलैस कोई आप अलग पर्टिकुलर चीज़ नहीं चाहते अपने पिक्चर क्वालिटी से कि मुझे रेड टोन्स ज़्यादा देखनी है तो ही इसको ज़्यादा छेड़ें जैसे कि जनरल में आपको ए सर्विस वगैरह भी मिल जाती हैं प्रोग्राम्स डिवाइस नेटवर्क और भी सौ तरह की चीज़ें यू कैन लुक अप अगर आप सेटिंग्स को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके काम आ सकती हैं मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं ऑब्वियसली और सबके लिए बना रहा हूँ इसीलिए मैं सेटिंग को इतना डिटेल में जाकर नहीं देख सकता वैसे ही बहुत लंबी वीडियो होने वाली है ओके okay, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ इसकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में हमने ऑब्वियसली हम स्ट्रीमिंग सर्विस पर इतना बिलीव नहीं कर सकते बिकॉज उनकी वैसे उनकी भी पिक्चर क्वालिटी में चला के दिखाऊंगा लेकिन स्ट्रीमिंग क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही लो बिटरेट रेड पर होती है तो मैंने अपना यूएस लगाया हुआ है एक हाई बिटरेट रेड फोर की डाली है मैंने और आई वॉन्ट टू चेक क्या क्वालिटी चेक द्वालिटी ओके ये है सबसे पहले लोनली एस्ट्रोनॉट का कोई सीन है uh, देखिए बहुत सीपिया वाला लुक है एनिमेशन है obviously. इस वाले सीन में भी आप देखोगे देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि जब हम पिक्चर क्वालिटी इसमें दिखाते हैं और फिर हमारी जो कैमरा से शूट होती है फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आती है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो मेरे वर्ड पर बिलीव करना पड़ेगा आपको अदरवाइज़ आपको ये टी कहीं स्टोर में जाकर देखनी पड़ेगी लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी है ग्रेडियंट्स देखिए आप ऊपर से जो ब्लैक है वो पिच ब्लैक ही देख रहे हैं ऐसा कुछ मिक्सअप नहीं हो रहा है कलर्स का या फिर कोई ब्लूमिंग वाला ऐसा कोई चीज़ नहीं आ रही है बराबर से दिख रहा है आई विल टोटली वॉच दिस टी वी एनी टाइम अगर मुझे पिक्चर क्वालिटी की बहुत बढ़िया चाहिए तो ऑडियो क्वालिटी मैं सुन चुका हूँ टेस्ट कर चुका हूँ अभी आगे आएंगे तो बिल्कुल बताएंगे कि ऑडियो क्वालिटी इसकी कैसी है स्पॉयर अलर्ट बहुत मस्त होने वाली है ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सीन में ये वाला ड्रॉप वाला सीन था जिसमें आप देख रहे हैं इसमें आप ह्यूमन टोन्स देख पाएंगे बहुत ही यार क्या मस्त ह्यूमन टोन्स बिल्कुल परफेक्ट रेड वाली जो टोन्स होती है ना वो निखर के आ रही हैं बैकग्राउंड भी बहुत सही है ऑब्वियसली सीन का भी अच्छा होना जरूरी है कलर्स देखोगे इसमें प्रॉपर बढ़िया कलर्स दिख रहे हैं बट इफ़ यू वांट टू पॉप मोर यू कैन ऑब्वियसली कर सकते हो ये स्टैंडर्ड मोड पे मैं चला रहा हूं अगर आप डायन पैक करेंगे थोड़े से और पॉप करा सकते हो वो यूजर प्रेफरेंस रहती है मेरी प्रेफरेंस यही है एक मजदीज ए है बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी यार देखो सीन की नहीं हम टी की पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं अगर सीन में खो जाएंगे तो, तो बात खत्म हो जाएगी ना टी की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है मेरे हिसाब से अभी हम एस में भी टेस्ट करके दिखाएंगे आपको लेकिन बहु... जो अभी इसमें चल रहा है परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट डीपेस्ट ब्लैक और ब्राइटेस्ट ब्रैट व्हाइट का रेशो बहुत सही है ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट वही कहता है ब्राइटनेस भी बहुत सही लग रही है फिलहाल तो ह्यूमन स्किन स्किन टोन्स बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं मैंने इसमें एक ज़्यादा वार्म सीन भी चला के दिखाया था ये वार्म सीन है वैसे एक तरफ से कूल है हल्का सा कूल सीन भी चला के दिखाया था वो ड्रॉपलेट वाला सब मस्त चल रहा है बाकी आप थोड़ा सा खुद और आइडिया ले सकते हैं एक लास्ट में सिटी वाला व्यू और है इसमें आपको डिटेल्स का भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इसमें कुछ कंटेंट फुरके में चलाएंगे तो इट विल लुक डाइस फॉर श्योर अब इस सीन को देखिए बहुत ही टफ़ सीन है क्योंकि छोटे छोटे जो फायर का वो है तो अगर लाइट को अच्छे से नहीं शो किया प्रोसेसर ने या फिर पिक्चर जो पैनल है उसने तो सीन ख़राब हो जाएगा और वो बहुत आसपास भी लाइट फैलाएगा अब ये सीन को देखिए बिल्डिंग में छोटी छोटी खिड़कियां हैं किस में लाइट जल रही है किस में लाइट बुझ रही है वो आप देख सकते हो बॉटम लेफ़्ट में देखिए लाइट ब्लिंक हो रही है वो भी आप इजिली देख पा रहे हो आई थिंक इट्स वेरी गुड और कोई प्रॉब्लम आपको पिक्चर क्वालिटी में नहीं आने वाली है एक भी ओके okay, आप देखिए प्राइम वीडियो पे ऊपर यू लिखा हुआ है एच लिखा हुआ है मतलब ये फर्जी यहाँ पे फोर के और HDR में चल जाएगा प्राइम वीडियो के अंदर ऐसे ही नेटफ्लिक्स में सब कुछ और में फोर में चलेगा अभी अभी आप मुझसे पूछोगे ना कि वो हाउस तो पिक्चर क्वालिटी इन एच आपको मैं एक बार सबसे पहले तो दिखा देता हूँ कि दिस इज इन एच आप देखोगे तो नीचे यू भी लिखा आ रहा है एच भी लिखा आ रहा है तो सर्टेनली इट इज इन यू एंड एच तो देखो जो मेरा रेस्पॉन्स रहेगा काफ़ी ब्राइट है ओब्वियसली एक डार्क सीन है, हाँ मैंने पूरा फर्जी देखा नहीं है लेकिन जितना भी ये सीन देखा है पहला एपिसोड दूसरा एपिसोड काफ़ी डार्क सीन था उस डार्क सीन में बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है एवरी मस्त दिख रहा है डिटेल्स मस्त दिख रही हैं सड़क पर कुछ चल रहा है वो भी मस्त दिख रहा है आई थिंक पिक्चर क्वालिटी में यू विल नॉट कंप्लेन इन एच डी वो कहते हैं कि इसमें तीन सौ सीनट्स की ब्राइटनेस है तो दैट शुड बी इनफ फॉर योर नॉर्मल कंटेंट वाचिंग और एच डी कंटेंट वाचिंग अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम देखोगे आप आ, डार्क सीन्स तो ऑब्वियसली वो डार्क दिखाना चाहते हैं तो आपको वो डार्क ही देखने है ना तो डार्क ही दिखेंगे मस्त है कुछ भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं डायनोरा वाले पिक्चर को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बट जितना भी आ रहा है ना बहुत मस्त आ रहा है आई थिंक आई ईजिली गिव 9.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन जो कि पिक्चर क्वालिटी में यहाँ पे बना के दे रहा है मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ पिक्चर क्वालिटी से एक बार ऑडियो में कुछ एक गाना चला के दिखाते हैं और माइक को करते हैं टीवी की तरफ ताकि आप थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी का ले पाए मैं सच बता रहा हूँ अपनी ना एक्सपेक्टेशंस को आप हाई रख सकते हो बिल्कुल मैं वैसे कहता नहीं हूँ टी के लिए क्योंकि टी के स्पीकर सभी टी के स्पीकर वाई ही होते हैं लेकिन मैं नीचे सिक्सटी वॉट का इन्होंने एक साउंड बार टैप लगाया है और वो बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो वाइट सिल्वर कलर के, के लुक में और सुनने में भी बहुत मस्त होने वाला है एक बार मैं माइक को चल उसकी तरफ करता हूँ टीवी की तरफ गाना चला के दिखाते हैं That you can't stop too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go. But now everybody knows that you can't stop too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go. But now everybody knows that you can't stop too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go. But now everybody knows that you can't stop too long, got to keep going. से वन थिंग मैंने और भी कंटेंट देखा है और बहुत ही अच्छी साउंड आ रही है सबसे पहले तो लेकिन मैं आपको ना वॉइस क्लैरिटी भी दिखाना चाहता हूँ इसमें क्लियर वॉइस मोड भी है उसके जरिए भी आप और क्लियर कर सकते हो वॉइस को लेकिन जब मैंने इस पर कुछ और कंटेंट देखा अपना वीडियो पर बहुत मस्त साउंड आ रही है आपको क्लियर वॉइस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतने बड़े साउंड वार के साथ में एक बार जस्ट वंस मैं चाहता हूँ इसमें आप मेरी खुद की एक बनाई हुई वीडियो चल देख लें अगर आपकी एसी बहुत ज्यादा बिजली का बिल बना रही है ना तो ये एलेक्सा डॉट आपके बहुत काम आ सकता है आपकी अगर ऐसी स्मार्ट है या फिर इसी स्मार्ट नहीं किया सॉकेट स्मार्ट है तो भी काम हो जाएगा ये एको डॉट आपके अल्ट्रासोनिक वेव से सेंस कर सकता है कि उनमें कोई बहुत ही एक्सट्रीमली बेसी साउंड कर रही है इसमें आवाज़ अगर आप कुछ भी कोई सी ह्यूमन वॉइस का कंटेंट देखोगे तो और गाने सुनोगे तो मज़ा ही आ जाएगा बाय द वे आप लोगों को बता दूं इसका जो ब्लूटूथ सिस्टम है वो टू uh, वे वाला है तो आप अपने इसके स्पीकर को एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन से कनेक्ट करके गाने बजा सकते हो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इसमें आप कास्टिंग कर सकते हो यूट्यूब से कोई दिक्कत उसमें है ही नहीं आपको सब कुछ एकदम मस्त चंदे वाला है ऑडियो मस्त है वीडियो क्वालिटी मस्त है यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल एंड स्वीट है साफ सीधी बात करने वाले लोग हैं नाइनोरा वाले बहुत अच्छी टीवी बनाई है आई विल टोटली बाय दिस टीवी एट द प्राइस ऑफ ट्वेंटी सेवन ट्रिपल नाइन एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ इनका डिजाइन ना बहुत ही मस्त है जो इन्होंने स्टैंड बनाया पतला सा स्टैंड बनाया और हल्की टीवी है यार इट सिक्सटी वॉट का उन्होंने स्पीकर लगा दिया साउंड बार के साथ में पतला सा टीवी बनाया है एक हाथ से और एक स्टैंड से पकड़ के उसको सरकाया जा सकता है ईजिली सरकाने के लिए मैं कह नहीं रहा हूँ बट सरकाया जा सकता है एंड वॉल माउंट वो फ्री दे रहे हैं आई थिंक यू कैन नॉट आस्क फॉर मोर इन दिस टी वी इन दैट प्राइस फिफ्टी इंच के सेगमेंट में इट्स गोना बी ऑसम यही टी वी सजेस्ट करने वाला हूँ मैं आगे से Uh, क्योंकि सच में एक अच्छा टीवी उन्होंने बना के दिया है दोस्तों इसमें आपको माइक का बटन भी मिलता है जिस माइक के जरिए आप कुछ बोलेंगे तो वो सर्च हो जाएगा लेट्स चेक दैट आउट वंस वॉट इज द टाइम तो कितना फास्ट है आप ये देखिए 5:26 पीएम उसने तुरंत एक सेकंड के अंदर बता दिया लेट्स चेक समथिंग एल्स कैन यू प्लीज ओपन प्राइम वीडियो तो तुरंत प्राइम वीडियो सर्च मतलब खोल दिया उसने जैसे हमने बोला कैन यू प्लीज ओपन यूट्यूब गोइंग टू यूट्यूब काफी फास्ट काम कर रहा है आई थिंक इट विल बी अमेजिंग जो थिंक वाला सर्च वाला है वो ही है ओके okay, सब कुछ हो गया आई हैव टू टेल सम थिंग्स सबसे पहले तो ये स्टैंड पतला सा है और बहुत ही मस्त है मजबूत लग रहा है टीवी हल्की प्रतीत होती है और सच में हल्की भी है पतली सी टीवी है इनफ पोर्ट्स मिलते हैं आपको यू डॉन्ट डीड मोर देन हीज पोर्ट्स रिमोट में एक यूनिवर्सल रिमोट है ओबियसली इसमें जो पावर के दो बटन दिए गए दूसरा पावर के बटन से आप अपने सेट टॉप बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हो ऑफ ऑन करने के बाद वो तो है ही लेकिन उसके बाद नंबर बटन से भी आप अपने सेट टॉप बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हो आप इसमें जब सेट टॉप बॉक्स अपना लगाओगे तो सब कुछ इसी रिमोट से हो जाएगा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इट्स जस्ट अमेजिंग व्हील वाला सीन तो आपको मैंने पहले ही बता दिया होम होम बटन दबाते ही, आपको आ जाएगा डायरेक्टली नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की हॉट भी मिल जाती है इनपुट का बटन दबाओगे तो सीधे नीचे आ जाएगा कि कौन सा इनपुट लगाना चाहते हो यूएस बी एस या फिर एनीथिंग एल्स जो कि इससे कनेक्टेड है एवरी थिंग इन दिस टीवी जस्ट अमेजिंग इंडियन ब्रांड है मेक इन इंडिया आपका प्रोडक्ट है मैं तो कहता हूं मस्त टीवी है वॉलमोट आपको इंक्लूडेड मिल रहा है यू कैन नॉट आस्क फॉर मोर बढ़िया पिक्चर क्वालिटी साथ आ रहा है जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी है इसमें क्या चाहिए क्या और कुछ चाहिए ना कमेंट में बताओ मैं डायरेक्ट डायलो डारे वाइव वालों से बात करूंगा और इसमें लगवा दूंगा और कुछ है नहीं ऐसा जो आप इसमें लगवा सको मेरे हिसाब से यू कैन जस्ट गो फॉर इट टीवी खरीदना है डिस्क्रिप्शन में जाइए अभी के अभी खरीदिए और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर बताना अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो लाइक करके जरूर जाना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियो ऑल्सो थैंक यू वेरी मच